नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको खेलना पसंद है ना? हाँ, सब बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, वो भी बाहर जाके खेलना और भी ज़्यादा। लेकिन अभी कोरोना है ना, तो बाहर नहीं जा सकते, अंदर ही खेलना पड़ेगा। बाहर कौन से खेल खेले जाते हैं बता सकते हो? हाँ, खो खो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और बहुत सारे छुपन छुपाई, बहुत सारे खेल होते हैं। और हम पतंग भी उड़ा सकते हैं, बाहर जाकर हम पतंग उड़ा सकते हैं, टेरेस पर भी हम पतंग उड़ा सकते हैं। किसे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता? सबको पसंद है ना। तो आज हम लाल पतंग यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम क्या है? लाल पतंग। पाठ 3, लाल पतंग। अब मैं पाठ को एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। लाल पतंग। शाम का समय था, पापा बोले चलो शोभित ताजी हवा में थोड़ा घूम आए। दोनों पास की पहाड़ी पर पहुंचे, पापा आगे बढ़ गए पर शोभित खड़ा था। वह उन रंग बिरंगी पतंगों को देख रहा था जो आसमान में उड़ रही थी। शोभित को सबसे सुंदर लाल पतंग लगी, बिल्कुल उगते सूरज जैसी। वह ध्यान से उसे देखने लगा। तभी पापा की आवाज़ सुनाई पड़ी, शोभित रुको, रुक क्यों गए? शोभित, पापा मुझे ऐसी लाल गोल लाल पतंग चाहिए। पापा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, उस दिन रविवार है, तब सूर्य सी पतंग अपने मित्रों के साथ उड़ाना। शोभित उदास हो गया। दूसरे दिन शोभित माँ के साथ बाजार गया। बाजार में पतंगों की दुकान पर कई पतंगे लटकी हुई थी, उनमें सबसे सुंदर लाल सूरज जैसी पतंग भी थी। शोभित ने माँ का हाथ खींचते हुए कहा, माँ मुझे वह पतंग चाहिए। माँ को भी पतंग सुंदर लगी, पर वे बोली, आज नहीं शोभित, उस दिन लेंगे जब तुम 8 वर्ष के हो जाओगे। जन्मदिन आ गया, पापा के साथ शोभित पतंग लेने गया, पर यह क्या, पतंग तो बिक चुकी थी। शोभित का मन फिर उदास हो गया। घर आकर पापा ने माँ को बताया, माँ स्कूल में पढ़ाती थी, उसके पास तरह तरह के रंगीन कागज़ रहते थे। माँ ने रंगीन कागज़, झाड़ू की सीख, कैंची, गोंद, धागा और चरखी सब चीज़ें मेज़ पर रखी। लाल कागज़ को गोल गोल काटा, सीख इस तरह लगाई कि पतंग बन गई, फिर उसमें धागा बांधा। वे चरखी शोभित को देते हुए बोली, लो पतंग उड़ने को तैयार है। माँ ने शोभित के मित्रों के लिए भी अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पतंगे बनाई। पहले केक कटा, सबने जन्मदिन की बधाई गाई, केक मिठाई आलू की टिकिया और बहुत सी चीज़ें खाई। फिर सब भागे पार्क की ओर अपनी अपनी पतंग उड़ाने। शोभित आज बहुत प्रसन्न था, उसकी सूरज जैसी लाल पतंग सचमुच के सूरज के साथ आसमान में थी। बच्चों, आपको भी पाठ को इसी तरह ध्यान से पढ़ना है। अभी मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। लाल पतंग, पतंग मतलब पता है ना, पतंग हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं पतंग को, काइट। लाल पतंग मतलब रेड काइट। शाम का समय था, इवनिंग, शाम मतलब इवनिंग, शाम का समय था। पापा बोले चलो शोभित, यहाँ पे इस बच्चे का नाम क्या है, शोभित, और ये उसके पापा है, शोभित और उसके पापा। चलो शोभित ताज़ी हवा में
थोड़ा घूम आए। शाम के समय ठंडी हवा रहती है ना, ताजी ठंडी हवा रहती है, घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो पापा ने कहा चलो शोभित हम थोड़ा बाहर घूम आते हैं। दोनों पास की पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी मतलब हिल, छोटा सा ऐसे हिल जैसे रहता है ना, उसे पहाड़ी बोलते हैं। पास की पहाड़ी पर गए, पापा आगे बढ़ गए, पर शोभित खड़ा था। पापा ऐसे ही चलते जा रहे थे, लेकिन शोभित वहीं पे खड़ा था। वो क्या देख रहा था? वह उन रंग बिरंगी पतंगों को देख रहा था। वहां पे कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और शोभित को बहुत अच्छा लगा। रंग बिरंगे पतंग, पतंग आपने देखा होगा ना, आसमान में जब उड़ते हैं बहुत सारे अलग अलग शेप्स के होते हैं, आकार के होते हैं, रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के होते हैं, बहुत सुंदर लगता है ना। वो वहीं पे उन पतंगों को देखते रह गया जो आसमान में उड़ रही थी। शोभित को सबसे सुंदर लाल पतंग लगी। उन सब दूसरे अलग अलग आकारों के पतंगों में शोभित को कौन सा अच्छा लगा? लाल और गोल वाला लाल पतंग अच्छा लगा, बिल्कुल उगते सूरज जैसी। वो पतंग कैसे था? बिल्कुल सूरज की तरह गोल था, ऐसे गोल राउंड शेप का, सर्कल शेप का लाल रंग का पतंग था। सूरज जब डूबते रहता है शाम के समय कैसे लगता है? राउंड अच्छा लगता है ना, ऑरेंज कलर का ऐसे राउंड, रेडिश ऑरेंज जैसे रहता है ना, वैसे लग रहा था। शोभित को वह गोल वाला पतंग बहुत सुंदर अच्छा लगा। वह ध्यान से उसे देखने लगा। वो अपने पापा के साथ नहीं गया, वहीं पे खड़ा होके वो पतंग को देखते रह गया। तभी पापा की आवाज सुनाई पड़ी, तभी पापा की आवाज उसके कानों पे सुनाई पड़ी। शोभित रुक क्यों गए? उन्होंने क्या बोला? शोभित रुक क्यों गए? शोभित ने बोला पापा मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए। शोभित ने क्या कहा? मुझे ऐसी ही गोल वाली लाल रंग की पतंग चाहिए। पापा हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। पापा ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर खरीद के दूंगा, लेकिन अभी नहीं, जन्मदिन पर। जन्मदिन मतलब बर्थडे के पर, बर्थडे पर। जन्मदिन आने वाला है, उस दिन रविवार है। शोभित का बर्थडे कब था? रविवार को था। रविवार मतलब संडे। तब सूर्य सी पतंग अपने मित्रों के साथ उड़ाना। उस दिन स्कूल को भी छुट्टी होती है ना, रविवार के दिन, संडे के दिन सब आप घर पे ही रहते हो। तब अपने बर्थडे के दिन सब अपने मित्रों के साथ, मित्र मतलब फ्रेंड्स के साथ पतंग उड़ाना। मैं तुम्हें उस दिन खरीद के दूंगा, ऐसे पापा ने बोला। शोभित उदास हो गया, क्योंकि शोभित को उसी समय पतंग चाहिए था, उसे बहुत पसंद आ गई थी वो पतंग, उसी समय चाहिए था। पापा ने ना बोला तो वो उदास हो गया। उदास मतलब सैड हो गया। आप कुछ मांगते हो तभी नहीं मिलता है तो आप अपना मुंह कैसे बनाते हो? खुश रहते हो, हंसते रहते हो? नहीं, आप अपना मुंह ऐसे ही छोटा सा बना लेते हो, उदास हो जाते हो, सैड हो जाते हो। उसी तरह शोभित ने भी अपना मुंह उसी तरह बनाया। दूसरे दिन शोभित माँ के साथ बाजार गया। दूसरे दिन क्या हुआ? शोभित अपने माँ के साथ बाजार गया। बाजार में पतंगों की दुकान पर कई पतंगे लटकी हुई थी। वहां पे बाजार में दुकानों में बहुत सारे दूसरे अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकारों के पतंग लटक रही थी। लटकना मतलब हैंग करना, लटकी हुई थी। उनमें सबसे सुंदर लाल सूरज जैसी पतंग भी थी। उस दिन जब पापा के साथ शोभित वॉकिंग पर गया था ना, घूमने गया था, उस दिन शोभित ने कौन सा रंग का पतंग देखा? कौन से आकार का? गोल और लाल पतंग का लाल देखा था ना। उसी तरह आज भी दुकान में भी वैसी ही पतंग थी। तो शोभित को और भी चाहिए, मुझे चाहिए ऐसे लग रहा था। उनमें सबसे सुंदर लाल सूरज जैसी पतंग भी थी। शोभित ने माँ का हाथ खींचते हुए कहा, माँ मुझे वह पतंग चाहिए। शोभित को फिर से उसने वह पतंग देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसे रहा नहीं गया। उसने क्या कहा? माँ मुझे वो पतंग चाहिए।
माँ को भी पतंग सुंदर लगी। जब माँ ने देखा कि पतंग कैसी है दुकान में, वो पतंग देखा तो माँ को भी वो पतंग अच्छी लगी। पर वे बोली, पर माँ ने क्या बोला, आज नहीं शोभित, उस दिन लेंगे जब तुम 8 वर्ष के हो जाओगे। उसका नेक्स्ट बर्थडे 8वें वर्ष का था। तो माँ ने बोला कि जब तुम 8 साल मतलब 8 ईयर्स के हो जाओगे तब मैं तुम्हें वो दिला दूंगी। नेक्स्ट बर्थडे तुम 8 ईयर्स के हो जाओगे तब मैं तुम्हें वो पतंग दिला दूंगी। जन्मदिन आ गया। फिर ऐसे ही दिन बीत गए। फिर उसका शोभित का जन्मदिन आ गया। पापा के साथ शोभित पतंग लेने गया। पापा के साथ शोभित कहाँ गया, बाजार। उस दिन उन्होंने देखा था ना, उस बाजार में गए। पापा के साथ शोभित पतंग लेने गया। पर यह क्या हुआ वहाँ पे पतंग नहीं था, पतंग बिक चुकी थी, मतलब सेल हो चुकी थी। पापा के साथ शोभित पतंग लेने गया पर यह क्या, पतंग तो बिक चुकी थी। शोभित का मन फिर से उदास हो गया। अभी तीसरे बार शोभित को पतंग नहीं मिल रहा है तो वो बहुत उदास हो गया, बहुत सैड हो गया। घर आकर पापा ने माँ को बताया। फिर घर आके पापा ने माँ को बताया कि पतंग नहीं मिली, पतंग तो बिक चुकी थी। फिर माँ स्कूल में पढ़ाती थी। शोभित की माँ क्या काम करती थी, वो स्कूल में पढ़ाती थी। उसके पास तरह तरह के रंगीन कागज रहते थे। उसके पास क्या रहते थे, माँ के पास रंगीन कागज, तरह तरह के रंगीन कागज रहते थे। माँ ने रंगीन कागज झाड़ू की सीख, माँ ने क्या सोचा, पतंग यहीं पे बना देती हूँ, घर पे ही बना देती हूँ। उसने क्या क्या किया, क्या क्या लिया, रंगीन कागज, रेड कलर का एक पेपर लिया। फिर झाड़ू की सीख मतलब ऐसे स्टिक, थिन स्टिक रहता ना, झाड़ू मारने के लिए यूज करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूम। उसका स्टिक लेके उसने रखा, क्या क्या लिया, रंगीन कागज, झाड़ू की सीख, कैंची मतलब सीजर्स, फिर गोंद गम, धागा और चरखी, धागा थ्रेड और चरखी मतलब जब पतंग उड़ाने के लिए हम यूज करते हैं ना, ऐसे मोटा सा रहता है, दोनों तरफ हम ऐसे पकड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, चरखी। क्या क्या लिया, कागज, झाड़ू की सी, कैंची, गोंद, धागा और चरखी। सब चीजें मेज पर रख दी, मेज मतलब टेबल पर उन्होंने रख दिया। लाल कागज को गोल गोल काटा। माने क्या किया, पहले लाल कागज को ऐसे गोल शेप में काटा, सी इस तरह लगाई कि पतंग बन गई। फिर उसके बीच में ऐसे झाड़ू की वो स्टिक लिया था ना, वो लेके ऐसे स्टिक कर दिया उस पर, और क्या हो गया, पतंग बन गई। फिर उसमें धागा बांधा, थ्रेड उसमें धागा बांध दिया। वे चरखी शोभित को देते हुए बोली, लो पतंग उड़ने को तैयार है। तो अभी पतंग धागा भी बांध दिया, सीख भी उस पर लगा दिया, अभी सूरज जैसा गोल लाल पतंग तैयार हो गया। शोभित के हाथ में क्या दिया, माने चरखी दे के बोला कि अभी पतंग उड़ाने के लिए तैयार है। माँ ने शोभित के मित्रों के लिए भी अलग अलग तरह की रंग बिरंगे पतंगे बनाई। शोभित का जन्मदिन था ना, जन्मदिन पर बहुत सारे मित्र आते हैं, उनके लिए भी चाहिए ना, माँ ने बहुत सारे पतंग बनाए, मित्रों के लिए भी पतंग बनाए। पहले केक कटा और अगले दिन शोभित का जन्मदिन था। सुबह क्या हुआ, पहले केक काटा, सबने जन्मदिन की बधाई गाई। हम स्कूल में गाते हैं ना, वैसे सब मित्रों ने मिलकर जन्मदिन की बधाई गाई। मिठाई, आलू की टिकिया मतलब आलू से बनाते हैं ना, आपको पता है ना आलू की टिकिया कैसे बनती है। आलू को काट के तेल में फ्राई करके उसे चाट मसाला सब डालते हैं ना, उसे आलू की टिकिया बोलते हैं। आलू की टिकिया और बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंट मिठाइयाँ बनाई थी। फिर सब भागे पार्क की ओर, सबने अच्छे से केक खाया, मिठाई, आलू की टिकिया सब कुछ खा के
बहुत खुश थे। फिर सबने क्या किया, खाना सब खाने के बाद पार्क में भागकर चले गए अपनी अपनी पतंग उड़ाने। बाहर क्यों चले गए भाग के, पतंग उड़ाने के लिए। शोभित आज बहुत प्रसन्न था, सब उसके मित्रों के पास भी पतंग था, उसके पास भी उसका मनपसंद गोल सूरज जैसे वाला पतंग था ना, तो बहुत प्रसन्न था। उसकी सूरज जैसी लाल पतंग सचमुच के सूरज के साथ आसमान में थी। सूरज कहाँ रहता है, आसमान में, और शोभित पतंग कहाँ उड़ा रहा था, आसमान में। सूरज के साथ उसकी पतंग भी आसमान में उड़ रही थी। शोभित बहुत खुश था। बच्चों आपको समझ में आया पाठ? हाँ, अभी हम पतंग कैसे बनाते हैं वह सीखते हैं। चलो बच्चों, हमें ऐसे कागज़ लेके हमें कौन से आकार में चाहिए वैसे हमें पेपर को काटना है। जैसे शोभित ने गोल रंग, शोभित के माँ ने गोल रंग का पतंग बनाया था ना, गोल आकार का लाल रंग का, वैसे हमें अलग अलग तरह के आकार से भी पतंग बना सकते हैं। देखो यहाँ पे पक्षी के आकार के बना रहे हैं, तो हमें पेपर ऐसे काट लेना है। देखो हो गया ना फिश जैसा, अच्छे से हमें पेपर कट कर लेना है। देखो इस तरह, फिर बीच में झाड़ू की सीख, ऐसे स्टिक, इंग्लिश में हम स्टिक बोलते हैं ना, उसे गम के साथ ऐसे लगाना है। देखो इस तरह, फिर सेलो टेप के साथ उसे अच्छे से चिपकाना है कॉर्नर्स को, ताकि वो जल्दी फट ना जाए। पेपर का होता है ना, जल्दी फट जाता है ना, इसलिए हम उसे सेलो टेप के साथ चिपका सकते हैं। फिर वहाँ पे भी स्टिक लेके ऐसे गोल से घुमाना है। आसान है ना बनाना? इसी तरह हम गोलाकार का, स्क्वेयर शेप का, चौकोन, स्क्वेयर मतलब क्या, चौकोन, ट्रायंगल, त्रिकोण, ऐसे कोई भी आकार का हम बना सकते हैं। आपके घर में किसी बड़े की सहायता से आप ऐसे पतंग बना सकते हो। देखो इस तरफ भी उसी तरह सेलो टेप लगा के फिर उसके साथ स्टिक जोड़ना है। इस तरफ की जिस तरह जैसे किया था उसी तरह हमें इस तरफ भी वैसे ही करना है। देखो हमारा पतंग आधा भी तैयार हो गया। अभी और एक सीख लेके इस तरफ और उस तरफ, ताकि वो बेंड हो ना जाए, हमें एक स्टिक लगाना है और फिर धागा लेके बांध देना है। देखो हमारे पतंग तैयार हो गया। अभी सुई धागा ले सकते हैं हम, या एक पिन में गोल बना के उसके साथ हम धागा बांध सकते हैं। देखो ऐसे नीचे एक होल बनाना है, वहाँ पे भी उसी तरह हमें धागा बांधना है और दोनों धागों को जोड़ना। तो बच्चों अच्छा लगा पतंग? आप भी घर पे बनाओगे ऐसे? आपको जो भी आकार पसंद है या जो भी रंग पसंद है उसका एक पतंग बनाना है। ओके, बना के आप खुद ही उसे उड़ा सकते हो। देखो कितना मज़ा आएगा। तो अच्छा लगा ना, मुझे अगली कक्षा में बताना है कि आपको पतंग बनाना आ गया या नहीं, कैसे लगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।